अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कैनवा के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। कैनवा एक ऑनलाइन टूल है जिसके ज़रिए आप अपने चैनल के लोगो बना सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो के थंबनेल बना सकते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल का आर्ट बना सकते हैं, फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं, हर तरह का काम है और ये टोटली फ्री है। हमारे यहाँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनको जिनमें से चार तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल यही यूज़ करते हैं और बहुत सारे हैं, सिर्फ चार की बात नहीं कर रहा जो ये यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम बताया जाता है कि ये टोटली फ्री है। यहाँ पे आपको कुछ भी बनाना हो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सामने आ रहा है, प्रेजेंटेशन आ रही है, यूट्यूब आइकन आ रहा है, लोगो आ रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, वीडियो के बारे में है, पोस्टर्स हैं, डेस्कटॉप वॉलपेपर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे, और ये टोटली फ्री है, कोई भी पैसे इसमें नहीं लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो मेरे पास मेरे चैनल का आर्ट बना हुआ है, ये भी यहाँ से ही मैंने बनाया है, और मैं अपने चैनल की जो भी वीडियो बनाता हूँ और उसका जो थंबनेल होता है वो भी मैं यहीं से बनाता हूँ। अमूमन लोगों को क्या होता है कि थंबनेल बनाते वक्त, हमारे यहाँ तो वीडियो का थंबनेल जब बनाते हैं तो हमें उर्दू इनपेज चाहिए होता है, उसके अलावा एडोब चाहिए होता है, एडोब फोटोशॉप चाहिए होता है, और वहाँ जाके वो काम करना पड़ता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे दोस्तों को जो जिनको एडोब के बारे में भी इल्म नहीं है इतना ज़्यादा, और फिर इनपेज के बारे में उर्दू इनपेज के बारे में इल्म नहीं है, तो उनके लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा टूल है कि आप यहाँ आके इसको इस्तेमाल करें और जो भी आप चीज़ बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर क्रिएट आ डिज़ाइन करता हूँ, ये सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये जितने भी ये चीज़ें आ रही हैं, ये नीचे ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं उनमें से चूज़ कर लें, या आप अपना कस्टम डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ये नीचे कस्टम साइज़ लिखा हुआ है। उसके अलावा आप क्या है कि यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे थंबनेल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं थंबनेल लिखता हूँ, तो ये देखें यूट्यूब थंबनेल आ गया। अब थंबनेल के साथ उसने म्यूज़िक यूट्यूब थंबनेल भी दे दिया है, ट्रैवल जो व्लॉग बनाते हैं उसका भी थंबनेल दे दिया है, ट्यूटोरियल जो बनाते हैं वीडियो उसका भी थंबनेल दे दिया है, फूड का जो है उसका भी उसने थंबनेल दे दिया है, ब्यूटी यानी कि जो ख्वातीन जो यूज़ करते हैं जिनके चैनल हैं मेकअप के बारे में या दूसरा जितनी ब्यूटी के बारे में जितनी भी रिलेटेड है वो भी आप यहाँ पे आके बना सकते हैं। तो वह खैर सिंपली यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में क्या है कि आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल रहे हैं, अगर आप अपना भी अगर आप आपके पास अपनी भी तस्वीर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये जो जितने भी आप देख रहे हैं इस साइड पे, ये वो थंबनेल हैं जो बने बनाए हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कोई भी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फूड का ही सर्च कर लेता हूँ, फूड, तो फूड लिख के एंटर किया तो ये फूड के टेम्पलेट्स आ गए। अब सिंपली इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे ले आया, ये सिंपली मेरे सामने आ गया। अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऊपर इसका लोगो आ रहा है कैनवा का, तो हम इसको नहीं इस्तेमाल करते, हमारे पास फ्री में बहुत सारे हैं, जैसे ये है, इसको हम इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, ऐसे तो करने से तो ये सारा एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि हम वैसे ही इसको ले आते हैं और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये देखें ये हमारे सामने एक थंबनेल आ गया। अब क्या है, अब हमने यहाँ पे इसको एडिट करना है, एडिट करने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, और जहाँ ये टेक्स्ट लिखा है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आप इसको ख़त्म करके या कुछ भी लिख दें, हेल्दी फूड लिख देता हूँ चलें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये एक तरह से आपका रेडी है। आप इसको डाउनलोड करना चाहे इस हालत में तो ये राइट साइड पे आप देखें डाउनलोड पे आ रहा है, क्लिक डाउनलोड पे क्लिक करें और ये नीचे डाउनलोड पे क्लिक, दोबारा डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा।
उसके अलावा क्या करना है आपने, अगर आप अपनी तस्वीर लगाना चाह रहे हैं, आप अपने जो आपने फूड बनाया हुआ है या कुछ भी चीज़ है उसको, उसके लिए आपने क्या करना है, ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें, यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट्स एलिमेंट्स अपलोड, आपने अपलोड्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना अपलोड मीडिया पे क्लिक कर देना है और यहाँ से डिवाइस पे क्लिक कर देना है कि आपने डिवाइस में कहाँ पड़ी है। खैर मेरे पास तो अभी ऐसी कुछ है नहीं, लेकिन आपको ऐसे बताने के लिए, तो आप ऐसे क्लिक करके ओके करेंगे तो वो जो तस्वीर है वो आ जाएगी यहाँ पे। तो आपने उस तस्वीर को भी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे कि ये तस्वीर है, मैं इसको यहाँ ऐसे कर लेता हूँ तो ये देखें ये यहाँ पे आ गई, इस तरह आपकी तस्वीर भी आ जाएगी और आप उसको लगा के जो भी आप तस्वीर बनाई होगी आप उसको लगा के अपना थंबनेल बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं कि चलें यार मैं यूट्यूब आर्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो यूट्यूब आर्ट हम लिख देते हैं, यूट्यूब आर्ट लिख, चैनल आर्ट आ जाएगा, ये देखें यूट्यूब चैनल आर्ट, यूट्यूब चैनल आर्ट पे आके हमने क्लिक किया और ये हमारे साथ एक सामने एक न्यू पेज ओपन हो गया। इस पेज पे सिंपली यहाँ भी आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, ये सारे बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ मौजूद हैं, अगेन ये फ्री हैं, इसमें पैसे वाले भी हैं लेकिन वो कम होते हैं। यहाँ पे इस कैनवा पे मैंने ये देखा है कि 50-50 है कि 50 चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री हैं और 50 जो हैं वो उनके पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आप फ्री का यूज़ करें, इतना अच्छा आर्ट है तो आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आप पैसे उस वक्त लगाएं, क्योंकि आजकल फाइवर पे या अपवर्क पे या अगर आप फ्रीलांसर पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन करने कर रहे हैं, तो आप वहाँ आजकल ये गिग बहुत चल रही है, स्टार्ट हुई है अभी ये गिग, आजकल स्टार्ट हुई है कि आई विल डू द कैनवा, कि मैं कैनवा का जितने भी काम है वो करके दूंगा और इतने डॉलर लूंगा। तो आप भी अगर ये काम आप यहाँ इस साइट पे आके देखें, इस ऑनलाइन टूल को चेक करें, अगर आपको समझ आता है तो ये बहुत आसान है, क्योंकि हर चीज़ तो बनी बनाई मिल रही है, आपने जस्ट क्लिक करना है, थोड़ी सी टाइपिंग करनी है और आपकी हर चीज़ रेडी हो जानी है। और अब ये यूट्यूब चैनल आर्ट के बारे में है, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर लेता हूँ, वहाँ से यहाँ से ड्रैग किया यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, अब ये वो आपका वो बन रहा है यूट्यूब चैनल आर्ट बन रहा है। वो अगर नहीं समझ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ, ये जो नज़र आ रहा है आपको टेक्नो पार्क लिखा हुआ, ये यूट्यूब चैनल आर्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये जितना भी है ये यूट्यूब चैनल आर्ट में, इसका लोगो भी है मिसाल के तौर पर, यहाँ पर ये जो पिक्चर आप है ये भी यहाँ पर बन रही है, ये यूट्यूब चैनल आर्ट में आता है। और ये जो बैनर इमेज है जो कि अभी हम बना रहे हैं, ये यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ये बैनर है, और ये नीचे है वीडियो वाटरमार्क, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हर तरह की सहूलत है इस टूल में और बिल्कुल इजी है, आपको अगर बनाने में कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ आप। और दूसरी बात कि मैं अब आपको सामने एक जो है लोग अपना YouTube वीडियो का थंबनेल बनाता हूँ, जो इसी वीडियो का है जो मैं अभी बना रहा हूँ, और इसी और ये थंबनेल आपको नज़र भी आएगा जब आप देखेंगे वीडियोस में, जब वीडियो आपको शो होगी तो आप देख लेंगे कि ये थंबनेल भी यहाँ भी मैं यहाँ पर ही मैंने बनाया है और बिल्कुल इजी और फ्री बनाया है। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो का थंबनेल बनाता हूँ, जो कि मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी वीडियो का थंबनेल, और जिसको आप जब आप यूट्यूब देखेंगे ओपन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ये थंबनेल नज़र आएगा तो आप समझ लें कि ये यहीं पर से बनाया गया। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें, मैं उसको ओके करके आपको बताता हूँ जी। तो मैंने ये खोल लिया है एक थंबनेल का पेज, तो थंबनेल कैसे बनाते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये सिंपल वाइट पेज है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखें ये आपको बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें, आप इनमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ग्रे हो गया, लाइट ग्रे हो गया, उससे भी लाइट और बिल्कुल लाइट ग्रे, रेड, लाइट रेड, पिंक, पर्पल या जो भी है, यार इतने कलर के नाम तो नहीं आते। खैर मैं इसको फ़िलहाल ब्लैक पे रहने देता हूँ, अब ब्लैक पे हो गया जी। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ कुछ एलिमेंट्स जी। तो मैंने यहाँ पे ये एक तस्वीर ऐड कर ली है, इस तस्वीर को अब मैं यहाँ पे लाके अगर पूरे पे अगर छोड़ दूँ तो ये पूरे पे आ जाएगी, लेकिन मैं पूरा नहीं चाह रहा, मैं इसको यहाँ पे एक साइड पे रखता हूँ,
इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज़ कर देता हूँ ऐसे करके, रीसाइज़ हो गया। और इसके अलावा मैं अपनी ये तस्वीर लगा लेता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं पूरे पेज पे ला सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको सिंपल ही रहने देता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने बना लिए, अब इसको मज़ीद ही अच्छा बनाया जा सकता है जितना, यानी कि ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कितना अच्छा, ये हमारी क्रिएटिविटी होती है कि हम कितना अच्छा बना सकते हैं। मुझसे जैसे भी हो सका है ये मैंने थोड़ा सा बनाया, ये और यही मैं अपने वीडियो थंबनेल में यूज़ करूँगा। ये जो मैं थंबनेल बना रहा हूँ यही मैं अपनी वीडियो में भी यूज़ करूँगा, आप वहाँ देख सकते हैं वहाँ पर भी। तो अब मैं जो यहाँ पे उर्दू के लिए चाहिए, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इन पेज उनके लिए काम नहीं करता या कोई मसला होता है, तो उसके लिए भी एक ऑनलाइन दूसरा टूल है, वहाँ से आपने वो उर्दू लिखनी है और उसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर यहाँ पे उस आपका थंबनेल रेडी हो जाना है और उसके बाद आपने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों ये मैंने जल्दी जल्दी में ये बनाया है, आज मैं इसको सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा, मुझे अपनी वीडियो भी बनानी थी और एक काम भी है ज़रूरी, वो भी मुझे करना है। खैर ये उर्दू को भी जो मैंने ऐड कर लिया है, अब उर्दू कैसे ऐड करनी है कि आपने के पास उर्दू आप पास उर्दू में लिखा हुआ हो, आपने जो सिंपल कर कॉपी करना है वहाँ से और यहाँ आके कंट्रोल वी कर देते हैं, कर देना है इस जगह पे, ये जो पेज है इस जगह पे कहीं भी, तो वो सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप इस उर्दू का फॉन्ट जो है बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे ये बढ़ रहा है और ये माइनस करेंगे तो ये कम हो रहा है। तो इसी तरह आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का, जैसे अभी ग्रीन है तो मैं इसको अगर ब्लू करना चाहूँ तो ब्लू भी हो जाएगा, ऐसे ऑरेंज कर लिया और येलो कर लिया, पैरेट ग्रीन कर लिया, जैसे भी जैसे आप कलर चाहें वो आप ला सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं सूटेबल कलर देख रहा हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा यहाँ पे, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे के रेड ऐड कर देता हूँ। आई डोंट नो रेड कैसा लगेगा क्योंकि ये भी रेड है, तो खैर जैसे आपकी चॉइस हो आप वैसे बना लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जितने आप जितना आपका अच्छा थंबनेल होता है इतने ही ज़्यादा आपके जो है ना क्लिक इंप्रेशन आते हैं, यानी क्लिक थ्रू इंप्रेशन आता है, जो भी क्लिक देखता है हाँ यार बड़ा प्यारा थंबनेल है क्लिक, यानी कि वो आपकी वीडियो पे मजबूर हो जाता है क्लिक करने पे। खैर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा जो है थंबनेल बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ जी। दोस्तों ये मैंने एक जल्दी में एक आर्ट क्या सॉरी थंबनेल बना लिया अपना, ये जल्दी में बनाया क्योंकि आज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मुझे जो मैं काम करता हूँ फ्रीलांसिंग का वहाँ पे आज मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत चल रही है। खैर आपको ये छोटा सा एक डेमो बता दिया है कि कैनवा पे काम कैसे होता है, मज़ीद अगर आप जानना चाहें तो आप मुझे मैसेज कमेंट में लिख सकते हैं, तो इसकी गिग भी बना सकते हैं आप कैसे, अगर आप गिग के बारे में जानना चाहेंगे तो उसके लिए भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा जैसे भी जितनी भी जल्दी हो सका। आप जो भी सवाल हो आपका आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कैनवा के ये जो ऑनलाइन टूल है ये सबसे बेस्ट है, आप इस्तेमाल करें, आसान है और बेतहाशा जो है ना टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप जिस तरह की पोस्ट बनाना चाहते हैं जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके सवालात अगर कुछ होंगे तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसके मुतल्लिक पूरी तफसील से बता सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।